भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को अखंड सौभाग्य का फल प्रदान करने वाली कजरी तीज का व्रत होता है। कजरी तीज के व्रत का फल स्वागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियों को भी प्राप्त होता है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने पर स्वागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का फल प्रदान होता है, तो वहीं कुंवारी लड़कियों को भगवान शिव के समान अच्छे वर की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लेकर कजरी तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था। माता पार्वती ने इस व्रत को करीब 150 साल तक किया था, जिसके बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वागन महिलाओं के साथ साथ इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। कजरी तीज के व्रत का प्रचलन उत्तर भारत में अधिक होता है। कजरी तीज के महत्व को लेकर हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। सनातन धर्म में पर्वों का कर्म चलता रहता है, तो जैसा कि अब श्रावण मास के बाद अब भाद्रपद मास प्रारंभ हुआ है, तो कृष्ण पक्ष की जो तृतीया तिथि है उसको कजली तृतीया के रूप में मनाते हैं। और यह पर्व इसी प्रकार से जिस होता है, जैसे जो पति व्रता जो महिलाएं हैं करवा चौथ एवं वट सावित्री व्रत, इस प्रकार के जो पति की दीर्घायु की कामना वाले जो व्रत होते हैं, इसी प्रकार से जो कजली तृतीया है यह भी माता पार्वती एवं जो भगवान शंकर जी से जुड़ा पर्व है, और जो कि पति की कामना दीर्घायु कामना एवं घर में सुख शांति और धन का आगमन हो, इस प्रकार की कामना की जाती है। तो यह पर्व 21 तारीख को 5:06 से प्रारंभ हो रहा है। उस दिन तो यह पर्व सायंकाल प्रारंभ हो जाएगा, परंतु अगले दिन 22 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रातःकाल 5:54 से इसका शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है। माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए लगभग 150 वर्ष तक तपस्या की, और तत्पश्चात भगवान शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार से जो इस व्रत की जो महिमा है वह पतिव्रता स्त्रियों के साथ साथ जो कुंवारी कन्याएं हैं उनका जिनका विवाह संपन्न नहीं हुआ है, तो उनके सौभाग्य के लिए कि उनको अच्छे पति की प्राप्ति हो, वे भी इस व्रत को कर सकती हैं। और साथ ही जो पीपल का वृक्ष होता है, अश्वत्थ भी कहते हैं उसको, उसके नीचे यदि हम वे महिलाएं पूजा करें, उससे घर में धन का आगमन और सौभाग्य संतति एवं सभी प्रकार की जो अच्छी जो हमारे लिए जो शुभ हो सकता है, ये सब हमें प्राप्त होता है।